डायोड आज हम क्लास करेंगे डायोड का, ठीक है। तो डायोड जो होता है इसको जो इसका जो सुनिश्चित नेम होता है वो डी और पीडी से इसको सुनिश्चित किया जाता है, ठीक। डी और पीडी से इसको पुकारा जाता है, ठीक। तो डायोड जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन डायोड का एक खुद का एक पर्सनल वर्क होता है जिसको बोला जाता है डायोड जो है वो काम करता है ओनली फॉरवर्ड, नो बैकवर्ड। ठीक, ओनली फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ये सिर्फ आगे जाने देगा, सिर्फ आगे की ओर ही जाने देगा, पीछे नहीं आने देगा, पीछे नहीं आने देगा, ठीक, सिर्फ आगे जाने देगा, ठीक। जैसे कि जो डायोड होता है वो इस प्रकार होते हैं, ठीक। तो ये जगह पर जो ये बांध लगा हुआ ना, इस बांध के कारण सिर्फ जो हमारा जो वोल्ट है, करंट है, एम्पियर है, जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर ही जाएगा, रिटर्न आने के चांस वोल्ट का नहीं रहेगा, ठीक, समझ गए। तो डायोड जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो ये जगह इस तरह है। नॉर्मल, पहला जो है वो नॉर्मल डायोड है, हम नॉर्मली हम सिर्फ डी लिख देंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है जीना डायोड, ZINER। तीसरा जो होता है जिसको बोला जाता है एलईडी डायोड, एलईडी डायोड। चौथा जो होता है जिसको फोटो या फिर आप सेंसर भी बोल सकते हैं, फोटो या सेंसर डायोड, ठीक। नॉर्मल डायोड का जो पहचान चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, और जीनर डायोड का जो पहचान चिन्ह होता है, ध्यान से देखिएगा, ये मत कहिए सर ये स्वास्थ्य का चिन्ह बना दिया है। एलईडी डायोड का होता है कि इसके अंदर से जो ब्राइटनेस होता है वो बाहर की ओर निकल रहा है, और ये सेंसर डायोड में होता क्या है कि जो लाइट है वो सेंसर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। तो इस प्रकार है, जो आप लोग को लिखना होगा तो लिख सकते हैं, हम इसका काम जानेंगे आखिर ये वर्क क्या करता है, ठीक। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो डायोड है वो काम करता है ओनली फॉरवर्ड नो बैकवर्ड, यानी सिर्फ आगे की ओर ही बढ़ना, पीछे वापस नहीं आना। बहुत सा वोल्ट होता है जो रिटर्न भी आता है, जो डीसी वोल्ट होता है वो फ्लक्चुएट वोल्ट को ही सिर्फ आगे की ओर भेजता है, समझे। फ्लक्चुएट वोल्ट किसे कहते हैं, तो जो इस प्रकार से, यानी कि कभी वोल्ट का जो है वो अप हो जाना और कभी वोल्ट का डाउन हो जाना, ठीक। अप डाउन के जो कंडीशन में जो वोल्ट चलता है उसे फ्लक्चुएशन कहते हैं, ठीक। और इसी फ्लक्चुएशन वोल्ट जो है ये आगे की ओर बढ़ता है, तो कुछ वोल्ट जो होता है वो रिटर्न आने की कोशिश करता है, ठीक। तो उस जगह पे जो है वो डायोड हमारा उसको रिटर्न नहीं आने देता, सिर्फ ये आगे की ओर ही बढ़ने देगा, ठीक। तो ये जो सिम्टम है ये हमारे चारों डायोड में पाए जाते हैं, ठीक। तो नॉर्मल डायोड जो है, अब इसके अंदर है जो इसका एक्स्ट्रा कुछ एबिलिटी है, जो एबिलिटी है क्या, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक। ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर ये चार्जिंग सेक्शन में लगा हुआ है तब ये पीसी करंट को रिलीज करेगा, यानी निकालेगा। पीसी करंट किसे कहते हैं वो सबको आप लोग को पता होगा, ठीक। जिन्हें नहीं पता होगा वो बाद में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। पीसी का मतलब पेनाफोनिक करंट, बहुतों को नहीं पता होगा पेनाफोनिक करंट किसे कहते हैं, ठीक। जीनर डायोड जो होता है ये करंट या फिर वोल्ट को, एक्स्ट्रा वोल्ट को, सॉरी एक्स्ट्रा वोल्ट, ठीक, एक्स्ट्रा वोल्ट को ये ग्राउंड करने का काम करता है। जीएनडी का मतलब ग्राउंड, ठीक, एक्स्ट्रा वोल्ट को ग्राउंड करने का काम करता है। अब ये एक्स्ट्रा वोल्ट को कैसे ग्राउंड करता है, जब हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाता है, ठीक, और फिर भी हम चार्जिंग कनेक्टर उसमें लगाए हुए हैं और हमारा जो बैटरी है वो फूलने का डर होता है, तो वो क्या करता है, जीनर डायोड उस जगह पर लगा हुआ रहता है, तो ये अपना वर्किंग स्टार्ट करता है जब 100 होता है तब, और उसके बाद क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा वोल्ट होता है वो सब को उसको ग्राउंड करते चला जाता है। ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड का मतलब हुआ कि भाई शून्य से आप किसी भी अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 100 को, तो वो कितना हो जाएगा, शून्य होगा ना, तो जो ग्राउंड है ना वो एक शून्य है, ठीक। तो आप लोग क्या समझे कि कैसे होता है एक्स्ट्रा वोल्ट को ग्राउंड करना, ठीक। अब एलईडी डायोड जो है इसका आप लोगों ने सिंबल देखा होगा इस प्रकार से, ठीक, ये क्या कर रहा है,
लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस, मतलब कि आगे की ओर फैला रहा है। एलईडी का जो फोर फॉर्म होता है इसी से आपको पता चल जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, इमिटिंग का मतलब होता है फैलाना, ठीक। तो ऐसा डायोड जो प्रकाश को फैलाता है उसी को एलईडी डायोड कहते हैं, क्लियर। सेंसर डायोड, ऐसा डायोड, इसमें इसमें आपको जो ये सिंबल बना होगा एक पहचान चिन्ह, इसमें क्या था कि ये लाइट को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक। यानी कि ये जो सेंसर डायोड जो है ना, इसके अंदर ऑटो ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस एंड मोशन सेंसर, एंड मोशन सेंसर इसके अंदर लगा रहता है, ठीक। ऑटो ब्राइटनेस पे जब आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, पर ब्राइटनेस के बगल में एक ऑटो मोड दिया हुआ रहता है, ठीक। उस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तब क्या होता है कि आप जिस लाइट के माहौल में वैसा आपके डिवाइस का भी लाइट वैसा ही हो जाएगा, ठीक। अगर आप ज्यादा लाइट में है तो वो फुल लाइट कर देगा ऑटोमेटिक, बिना आपके टच किए हुए, ठीक। और अगर आप खूब अंधेरिया रात में है, ठीक, घनघोर रात में, तो क्या करेगा, एकदम घटा देगा, इस प्रकार इस तरह से आ जाएगा, ठीक। लेकिन आप अगर फुल ब्राइटनेस में है तो ये ब्राइटनेस जो है इस जगह पर फुल हो जाएगा, समझ गए इसको। अब हम जानेंगे कि आखिर इसे पहचाना कैसे जाता है, ठीक। आखिर ये कौन से कलर में किस वैरायटी में लगे होते हैं हमारे बोर्ड के अंदर, और हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक, ताकि ये जो बहुत सारे स्टूडेंट है जो खोजने में थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है तो उसको पता चलेगा कि आखिर ये सब कहाँ पे लगे होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसका पहचान क्या है, ठीक ना। तो नॉर्मल डायोड जो है इसका जो पहचान है, सबसे पहले देखिए अदर कंपोनेंट जो है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक। इसमें क्या होगा कि इसके इस साइड और इसके इस साइड में ये जो होते हैं ये सिल्वर कलर के होते हैं, जिसको बोला जाता है रंगा, ठीक। और बीच में कोई भी कलर, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन जो हमारा डायोड जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इसके छोटे छोटे दो लेग्स होते हैं निकले हुए, ठीक। और ये जो होता है इसका जो पूरा बॉडी होता है, नॉर्मल डायोड हो चाहे जीनर डायोड हो, ये दोनों पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, ठीक, समझे। अगर आप उस डायोड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका एक लेग छोटा होता है और एक लेग बड़ा होता है, ठीक। तो जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो निगेटिव होता है, ठीक। अगर आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे तब और जानेंगे कि आखिर जो नॉर्मल डायोड जो होता है वो किस प्रकार से हमारे बोर्ड में लगे होते हैं। तो ये सीरीज और पैरेलल दोनों पाए जाते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, ये दोनों पाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता हो कि सीरीज पैरेलल किसे कहते हैं तो सीरीज पैरेलल का भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए। नॉर्मल डायोड जो होता है ना, ये हमारे लाइट आईसी के नजदीक, लाइट आईसी, पावर आईसी, जिसको पीएमआईसी भी बोला जाता है, ठीक। आपको ये दो जगहों पे आपको पक्का मिल जाएगा हमारा नॉर्मल डायोड, ठीक। अब हम जानेंगे जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड भी सेम इसी की तरह ही डिट्टो इस तरह का दिखेगा, लेकिन ये जो होता है ये ऑलवेज पैरेलल लगा होता है, ठीक। जीनर डायोड जो है ये आपको मोस्टली सबसे ज्यादा जो होता है वो चार्जिंग सेक्शन में आपको मिलेगा, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब जिस जगह से चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ रहता है ना, इस प्रकार से इस जगह से आप लोग को जो पॉजिटिव का पथ चेक करते हुए जाइएगा तो उस जगह पर जो है आपको जो जीनर डायोड जरूर देखने को मिलेगा, ठीक। एलईडी डायोड क्या है, तो ये एक बल्ब है, ठीक ना। एलईडी डायोड क्या है, ये एक बल्ब है, ये आपको फ्लैश के रूप में देखने को मिलेगा जो बैक कैमरा के नजदीक होता है, बैक कैमरा के नजदीक, ठीक। फोटो डायोड और सेंसर डायोड जो होता है, ये एक सेंसर है, ठीक। ये जो आपको पाया जाएगा, आपको फ्रंट कैमरा मतलब आगे का जो कैमरा होता है उसके नजदीक, या फिर आपको ईयर पीस के नजदीक आपको देखने को ये मिल सकता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब हम जानेंगे इसका ओके कंडीशन और नॉन ओके कंडीशन, ठीक। तो पहले हम जो लोग जानेंगे कि यह सही कैसे होता है, ठीक, मतलब इसका सही क्या है वो हम जानेंगे।
सर्वप्रथम जानेंगे इसका ओके कंडीशन। नॉर्मल और जीनर हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक। नॉर्मल एंड जीनर दोनों का जो कोपड़ा है, जो शकल है, जो फेस है, एकदम जुड़वा की तरह है, ठीक। इसलिए हम इसको साथ में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि ये जो सीरीज रूप में अगर ये दोनों लगेंगे, ठीक, सीरीज रूप में, सीरीज रूप में अगर ये दोनों लगे हैं, ठीक ना, इसको आप बोर्ड से जब बाहर निकालिएगा, जिनर को जब बोर्ड से बाहर निकालिएगा तब इसका जो है ये सेम रहेगा, ठीक ना। नॉर्मल डायोड सीरीज में और जिनर डायोड बोर्ड से बाहर, तब इन दोनों का जो है वो एक जैसा इन टेस्टिंग होगा। मतलब कि एक तरफ से वैल्यू, एक तरफ से वैल्यू, दूसरे साइड नो वैल्यू, दूसरे तरफ नो वैल्यू, क्लियर। जब हमारा नॉर्मल डायोड जब सीरीज रूप से लगा रहेगा बोर्ड पर, जब आप टेस्ट कीजिएगा, तो एक तरफ से वैल्यू देगा और दूसरे तरफ से नो वैल्यू देगा। लेकिन अगर जीनर डायोड को जब आप बोर्ड से बाहर निकालकर जब टेस्ट कीजिएगा तो भी यही चीज आएगा, समझे। लेकिन जीनर डायोड को जब आप बोर्ड पे चेक कीजिएगा, नॉर्मल डायोड जब पैरेलल रूप से लगा रहेगा, ठीक है, और ये बोर्ड पर, यानी कि ये भी पैरेलल रूप से ही लगा हुआ रहता है एक बोर्ड पर, तब एक तरफ से बीप यानी साउंड देगा और दूसरे तरफ जो है वैल्यू देगा। एक चीज भी ये भी याद रखिएगा कि कोई भी कंपोनेंट पैरेलल रूप से अगर बोर्ड पे लगा हुआ है तो यही चीज देगा, क्या देगा, एक तरफ बीप और दूसरे तरफ वैल्यू देगा, समझ गए। थर्ड यानी एलईडी डायोड को जब आप चेक कीजिएगा, ठीक ना, तब ये जब आप चेक कीजिएगा तो एक तरफ से ये जलेगा, मतलब लाइट देगा, जल नहीं जाएगा, ठीक, और दूसरे तरफ से नहीं जलेगा। क्लियर। फोटो डायोड जो होता है इसका टेस्टिंग नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसर है, ठीक। सेंसर जो होते हैं ये एक चेंजेबल होते हैं, ठीक, सेंसर जो होते हैं ये चेंजेबल होते हैं, लेकिन ये चेंज किस स्थिति में किया जाएगा, जब आप कॉलिंग के अवस्था में जब रहिएगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को कॉल किया, ठीक ना, जैसे ही कॉल कीजिएगा ना तो आपका जो फोन है वो स्लिप मोड में चला जाएगा। स्लिप मोड का मतलब जब आप ऑन अ बटन को जब आप क्लिक करते होंगे, आप जब उस पर काम कर रहे हैं तो वो ऑन मोड है, और स्लिप मोड जब आप बटन को टिप देते हैं तो वो स्लिप मोड में चल जाता है, ठीक ना। तो वो वैसे अवस्था में चला जाएगा और उसमें क्या होता है, कितना भी बार आप ऑन बटन को क्लिक कर रहे हैं, ठीक, तब भी वो ऑन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि अगला पर्सन, जब तक कॉल आपका नहीं कट करेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका सेंसर है वो खराब हो चुका है, ठीक। तो उस कंडीशन में आप इसको चेंज करेंगे, क्लियर। जब आपका ऑटो मोशन काम नहीं कर रहा है तब उस कंडीशन में ये चेंज होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे नन ओके कंडीशन। तो सबसे पहला नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल या जीनर, नॉर्मल एंड जीनर। नॉर्मल डायोड सीरीज में लगा रहे या पैरेलल में लगा रहे, ठीक, इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ बोल्ट को आगे की ओर जाने देना, ठीक, रिटर्न नहीं आने देना, ठीक। तो अगर ये ओके है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ आगे जाने देगा, रिटर्न नहीं आने देगा, लेकिन ये खराब है, ठीक। अब ये इधर से भी पास करने लगा बोल्ट को, ठीक, तब ये जो अवस्था होगा इसको, इस अवस्था को बोला जाता है लीकेज, ठीक। दोनों साइड से दोनों तरफ से चलना कहलाता है लीकेज, ठीक, समझे। लेकिन दोनों साइड
दोनों साइड बीप का साउंड, ठीक, दोनों साइड यानी दोनों तरफ बीप का साउंड, दोनों तरफ बीप, तब ये कहलाता है शॉर्ट। क्लियर? लेकिन हमारा जो ये डायोड, मानते हैं कि हम बोल रहे थे कि भाई एक तरफ से जो है ये वैल्यू, मतलब एक तरफ से जो है वोल्ट को जाने देगा, मतलब कि आप जब मल्टीमीटर का आर और बी यानी रेड प्रो और ब्लैक प्रो को जब आप रखेंगे तो इधर से वैल्यू दिया, लेकिन जब इधर ब्लैक और इधर आर को रखते हैं तब वैल्यू नहीं दिया, ठीक। तो इस कंडीशन में ये ओके है, लेकिन अगर दोनों ही साइड से अगर हमारा कोई वैल्यू नहीं दिया तब ये ओपन है, ठीक। दोनों साइड से नो वैल्यू, दोनों तरफ नो वैल्यू, तब ये ओपन। क्लियर? तीसरा जो है एलईडी डायोड का हम जानेंगे नॉन ओके कंडीशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसका ओके कंडीशन में बताया था कि ये एक तरफ से जलेगा दूसरे साइड से नहीं जलेगा, ठीक, यानी कि एक तरफ से काम करेगा, जब आप टच कीजिएगा ना तो ये जो डायोड होता है इसके अंदर एक बल्ब को इस जगह पे फिट कर दिया जाता है, ठीक। तो जैसे इधर से वोल्ट जाता है ना तभी इसके अंदर से ब्राइट, मतलब जो लाइट होता है वो बाहर की ओर आने लगता है, ठीक। आप मल्टीमीटर से भी इसको चेक कीजिएगा तो इसको जैसे ही 2.2 वोल्ट से लेकर 3.7 वोल्ट तक मिलेगा तब इसके अंदर से लाइट बाहर की ओर आने लगेगा, समझे। तो मल्टीमीटर से भी चेक कीजिएगा तो अगर ये सही रहेगा तो ये जलेगा, ठीक ना। सिंगल अगर आप इसको टच करके देखिएगा, ठीक, क्योंकि ये सीरीज रूप से लगे होते हैं, ठीक ना, समझ गए यहां तक। तो ये जो है इसका जो खराबी है ये इस प्रकार से रहेगा, ठीक। अब वोल्ट जो है इस तरह से हम डाल रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या हो रहा है कि ये नहीं जल रहा है, इसका मतलब है कि ये ओपन है, ठीक। अगर कोई इस पे वैल्यू नहीं दिया तब ये ओपन है, ठीक ना। लेकिन अगर दोनों साइड से इसका वैल्यू देने लगा तब ये लीकेज है। सेम कंडीशन उसी का तरह है जो नॉर्मल जिनर का बताया था उसी प्रकार इसमें भी होता है, ठीक। ओके कंडीशन अगर इसका जो समझ लेगा वो ओपन और लीकेज भी समझ जाएगा, ठीक। क्लियर यहां तक?